मोहतरम खवातीन हज़रात, IERO की जानिब से तीसरी सालाना इस्लामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का पहला इजलास आज शुरू किया जा रहा है। जैसा कि हमारी रवायत रही है कि किसी भी जलसे की शुरुआत, किसी भी विशिष्ट की शुरुआत हम तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जुमे से करते हैं। आज के इस पहले इजलास की शुरुआत के लिए जो हमारा ये इफ्तिताहिया इजलास है, उसके इफ्तिताह के लिए और इस इफ्तिताही इजलास की के आगाज़ के लिए मैं खुद नफ्स आपको दावा देता हूँ कि दुआएँ और तिलावत कलाम मजीद से इस इफ्तिताहिया इजलास का आगाज फरमाएं। जनाब कारी महफूज हुसैन साहब। अभी इनका मुकम्मल तारुफ तकरीर से पहले पेश किया जाएगा।
हमारे दूसरे मुकद्दर शहर की मारूफ शख्सियत जनाब कलीमुल्लाह खान साहब भी तशरीफ फरमाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब खलीक अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस्लामिक एजुकेशन वोकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी IERO की जानिब से ये तीसरा सालाना कॉन्फ्रेंस जो आपके सामने आज मुनक्किद की गई है, इसमें इस पांच रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उनवानात पर मुख्तलिफ फिक्र रखने वाले हजरात, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हजरात जिनको यहाँ पर मौजूद किया गया है। इस पांच रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फिक्री सरमाया है मिल्लत का, जो हमारे सोचने वाले लोग हैं मिल्लत के बारे में, मिल्लत की फलावत बहबूदी के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में, या किसी भी जाविये से मिल्लत के तरक्की के लिए पूछते रहते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए सोचते रहते हैं, या उनके कुछ ऐसे उनकी कारकर्दगियाँ हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं मिल्लत को कहीं ना कहीं से, तो ऐसे लोगों को हमने ज़रूरत दी है वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें और उनके ख्याल से हम मुस्तफ़ीद हों। आपके पास जाहिर है प्रोग्राम की कॉपी पहुंची है दावतनामा के साथ, तो आपने उसमें मुलाहजा फरमाया होगा कि हमने तकरीबन उन तमाम मौजूदात का अहाता किया है जिसका ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा के वजूद, उसकी शिनाख्त और उसके मसले से वाबस्ता है। तो पिछले दो सालों की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हम कुछ कारामद बातें या कुछ कारामद जो है लाए अमल तरतीब दे पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ लोगों का एक मुतहदा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई है कि वो अफराद जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने शोबाजात में, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको जमा किया जाए, यज्जा किया जाए और उनके ख्याल से हम आगे हासिल करें। जब बहुत से अजमान फिक्रें एक साथ जमा होती हैं तो मुख्तलिफ ख्याल सामने आते हैं, उनमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपील करती हैं किसी को और किसी को नहीं करती हैं। तो वो तमाम बातें जो भी इंसान या जो भी मुखर यहाँ पर अपनी बात कह रहा है वो अपने तजुर्बे की बिना पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने फहम की बुनियाद पर कह रहा है, तो हमें उसकी नीयत पर और उसके मंशा पर हमें शक नहीं करना चाहिए। उसकी पूरी बात हमें बहुत हमदर्दी के साथ सुननी चाहिए और ये ईमानदारी का तकाजा भी है कि सामने वाले की बात को पूरी ईमानदारी और हमदर्दी के साथ सुनी जाए। तो आज का ये जलसा जो पहला इकास है, इकास है, इस जलसे के बाद इंशाल्लाह इस्लामी नुमाइश का भी इफ्तिताह होगा जो बहुत ये इवेंट जो है बहुत हमारा कामयाब रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इस्लामी नुमाइश हुई है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो ख़ासतौर से शुमाली हिंद में एक नया तजुर्बा इस तरह से किया गया है, साउथ में या महाराष्ट्र वगैरह में इस तरह के तजुर्बे बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन इस इलाके में, इस खत्ते में पुरानी आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर मबनी मुख्तलिफ मॉडल के ज़रिए से और खाकों के ज़रिए से वो चीज़ समझाने की कोशिश की गई है ताकि जो हमारी नई नस्ल है, कम उम्र लोग हैं, वो आसानी के साथ उस चीज़ को समझ सके पुरानी आयात और अहादीस नबवी को। हाजिर किसी भी जलसे का के कुछ अज्जाए तरकीबी होते हैं और उसमें एक बहुत अहम जो होता है वो बुद्ध सरबालिया का होता है। और बुद्ध सरबालिया दरअसल एक रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे मेहमान मुकर्रीन या मेहमान शुरका जो दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, हमारी दावत पर आए हैं, उनका हम इस्तकबाल करें। ये एक तरीका है
एक मुहसिब तरीका है, एक इस्लामी तरीका है। तो मैं सबसे पहले खुतबा इस्तकबालिया के लिए जनाब अली अहमद साहब को दावत दे रहा हूँ। अली अहमद साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, कम हुए सभी लोग जानते हैं। खलीफ साहब की जो समाज की खिदमत है, उनकी लगाव है, उनका दर्द है, और जो वाबस्तगी रहती है मिली कामों के सिलसिले में, वो किसी से पूछीदा नहीं है। मैं जनाब खलीफ अहमद साहब से खुतबा इस्तकबालिया की दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपना खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। को बेहद मुअस्सर अंदाज में पेश किया गया है।
नुमाइश में पेश किए गए मॉडल्स आईआरओ के शोबे ख्वातीन की हमारी बहनों और बेटियों ने तैयार किया है। अस्मा शम्स साहिबा की रहनुमाई में आईआरओ का शोबा ख्वातीन जिस तरह दीन व मिलत की खिदमत अंजाम दे रहा है, अल्लाह सुब्हानहु तआला की ज़ात से उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह माशरे में दीन हक को समझने का बेहतरीन जरिया बनेगा। कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। हम अगर कौम की बेटियों में दीन की फहम और मोहब्बत पैदा कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी आइंदा नस्लें कामरान व कामयाब होंगी। आईआरओ की एक बड़ी खिदमत तकवा इस्लामिक स्कूल का क़याम है। तकरीबन 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस स्कूल ने जो कामयाबी हासिल की है वो नाकाबिले यकीन है। इस 5 रोज़ा प्रोग्राम में आप इन बच्चों से भी मुतारिफ होंगे। इन्हें अगर इसी तरह आगे बढ़ने के मौके मैसर आते गए तो इंशाअल्लाह हमारे ये बच्चे कौम का कीमती सरमाया साबित होंगे। एक बार फिर मैं अपनी जानिब से और तंजीम की जानिब से आप तमाम ख्वातीन और हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात का तआवुन इन नौजवानों के साथ बना रहेगा। इसी के साथ मैं आप अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खलीक अहमद साहब। खलीक अहमद साहब आपके सामने खुतबा इस्तकबालिया पेश कर रहे थे। हज़रात, ये जो छोटी सी काविश आप हमारी देख रहे हैं, ये जो छोटा सा जलसा है, ये आज अपने कमाल को पहुंचा। इसकी तैयारियां तकरीबन 6 माह पहले शुरू हो गई थी। उन्वानात तय करने से लेकर के मुकर्ररीन के नाम, उनके दावतनामे, उनकी मंजूरी हासिल करना, इंतज़ामी उमूर और दूसरी तकनीकी चीज़ें, ये एक तवील दास्तान है कि किस रोज़ो शब की मेहनतों से ये जलसा आज अपने पूरे कमाल के साथ आपके सामने मौजूद है। जलसे से वाबस्ता ज़िम्मेदारान कारकुनान ने अनथक कोशिश की, मेहनतें की कि बेहतर से बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया जाए, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, इसको मुनज़्ज़म किया जाए। जलसे की गर्ज़ ग़ायत, आईआरओ का क़याम, उसके मकासद, आईआरओ से वाबस्ता शोबाजात, उसकी सरगर्मियाँ, मुस्तक़बिल के मंसूबे और अज़ायम के सिलसिले में मैं जनाब मोहम्मद सलमान साहब, जो आईआरओ के सेक्रेटरी हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और तंजीम के बारे में, उसके सरगर्मियों के बारे में और जलसे के अगराज व मकासद के बारे में, या जो कुछ वो कहना चाहते हैं तंजीम की तरफ से वो मकासद के बारे में या जो कुछ वो कहना चाहते हैं तंजीम की तरफ से वो अपने खिताब के ज़रिए से आपको कहें। मैं ब्रादर मोहम्मद सलमान साहब को दावत देता हूं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और आईआरओ की जानिब से अपनी गुफ्तगू पेश करें। जनाब मोहम्मद सलमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहाबीही अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमा वलमाइज़तुल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मोहतरम हज़रात व अज़ीज़ माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आईआरओ की जानिब से ये लगातार 3रा सालाना इजलास है।
हम गुज़श्ता 3 सालों से ये सालाना जलसा मुनक़िद